Assalamu alaikum, my dear friends. Today we are going to start our lecture where we will discuss about the adjective. Aaj hum adjective ko padhenge aur kinds of adjective bhi padhenge. Adjective kya hai? Adjective it adds something to the meaning of a noun or pronoun. Jo alfaz grammar mein kisi bhi noun किसी भी प्रोनाउन की तारीफ़ को ज़ाहिर करे, किसी उन चीज़ की, उस नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को, क्वांटिटी को, नंबर को ज़ाहिर करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. बेसिकली अगर हम देखें तो एडजेक्टिव दो चीज़ों को ज़ाहिर करता है, एक तो क्वालिटी को, सेकंडली क्वांटिटी को. इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउन. अब नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कैसे ये ऐड हो जाता है? फॉर एग्जांपल क्लेवर, क्लेवर अगर मैं कहूँ अली इज़ अ क्लेवर बॉय, तो अब जो अली है, अली इज़ अ क्लेवर बॉय, अली इज अ क्लेवर बॉय. अब यहाँ जो अली है इट्स अ नाउन, अली इज़ अ नाउन, एंड क्लेवर, अली इज़ अ नाउन, क्लेवर जो है वो एडजेक्टिव है जो के ऐड करता है टू द मीनिंग ऑफ नाउन अली. अली की मीनिंग में ऐड हो जाता है. इट टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ अली. क्वालिटी बैड भी हो सकता है, क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल गुड, ही इज़ अ गुड बॉय, इट इज़ अ गुड क्वालिटी. ही इज़ अ बैड बॉय, इट इज़ अ बैड क्वालिटी. ही इज़ अ लेजी गर्ल, शी इज़ अ लेजी गर्ल. अब जो लेजी है इट्स अ बैड क्वालिटी. क्लेवर हो, इंटेलिजेंट, हैंडसम, अगली, ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल हम किसी भी गर्ल के लिए इस्तेमाल करते हैं, हैंडसम हम किसी भी मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो सादिक इज़ अ हैंडसम बॉय, नजमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट. सो दीज आर ऑल द एडजेक्टिव्स, दे एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउन. उसके बाद अगर हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी है क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इट क्वालिफाइज अ नाउन, इट शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. अब ऑनेस्ट, रिच, ब्लैक, फ्रेश, अब ये जो अल्फाज हैं दे क्वालिफाई अ नाउन. एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे जो ऑनेस्ट है इट इज़ एडजेक्टिव, और जो मैन है इट इज़ अ नाउन, एन ऑनेस्ट मैन. रिच यहाँ पर एडजेक्टिव है और मैन यहाँ पे नाउन है. ब्लैक यहाँ पर एडजेक्टिव है और मैन यहाँ पे नाउन है. फ्रेश यहाँ पे एडजेक्टिव है और मिल्क यहाँ पे नाउन है. अ गुड बॉय, अ बैड बॉय, अ टॉल बॉय, सो दीज आर ऑल द नाउन्स, सॉरी एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो किसी चीज़ की मकदार को ज़ाहिर करे, कुछ जो किसी चीज़ की मकदार को बयान करे, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे. सम, देर आर सम बॉयज इन माई क्लास, एनी, लिटिल, मच. आगे चलकर हम सम, एनी, लिटिल, मच को डिफाइन करेंगे कि सम कहाँ पर इस्तेमाल होगा, एनी कहाँ पर इस्तेमाल होगा, लिटिल कहाँ पर इस्तेमाल होगा और मच कहाँ पर इस्तेमाल होगा. ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात अगर हम करें तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हमने दो काइंड्स में डिवाइड किया. एडजेक्टिव ऑफ नंबर में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल वो चीज़ें भी आ जाती हैं जिनको हम गिन ना सकें. सम भी आ गया, ऑल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, ये सारी की सारी, क्योंकि किसी न किसी नंबर को ये ज़ाहिर करते हैं. वेदर द नंबर इज़ डेफिनेट और इनडेफिनेट, अगर हम डेफिनेट और इनडेफिनेट की कंबाइनली बात करें तो वो सारी की सारी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं. उनके बाद सेम आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, डेफिनेट नंबर एंड इनडेफिनेट नंबर. डेफिनेट नंबर वो नंबर जो कि एग्जैक्ट नंबर को शो करें, जो कि एग्जैक्ट नंबर को, स्पेसिफिक नंबर को शो करें किसी चीज़ की, तो उसे हम डेफिनेट नंबर कहते हैं. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये डेफिनेट नंबर हैं. देर आर 3 बॉयज़ इन माई क्लास, देर वर 4 गेस्ट इन द पार्टी, देर वर 7 गर्ल्स इन द पार्टी.
सो मीन्स दे शो द एग्जैक्ट नंबर, और उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब जो जो डेफिनेट नंबर हैं इनकी दो इकसाम हैं, इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक तो कार्डिनल नंबर और सेकंड ऑर्डिनल नंबर। ये हैं डेफिनेट नंबर हैं, इनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, मगर न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर को फिर हम उनको डिवाइड करते हैं। अब कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, जहां पर 1 2 3 4 5 6 आ जाए वहां पे उनको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं, जहां पे कोई चीज ऑर्डर पे रखा जाए, ऑर्डर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, एक स्टेप बाय स्टेप। जब कोई भी टीचर, व्हेन अ टीचर अनाउंसेस अ रिजल्ट ऑफ अ क्लास, ही ऑफ अ क्लास ही मेक्स द ऑर्डर ऑफ द स्टूडेंट्स बाय ऑब्टेनिंग देयर मार्क्स, बाय देयर रिस्पेक्टिव मार्क्स। जो जितना मार्क्स ऑब्टेन करेगा उसके मुताबिक उसका एक ऑर्डर बनाया जाएगा कि आप फर्स्ट नंबर पे हैं, सेकंड नंबर, मीन्स एक लाइन में जो चीज़ बन जाए उसे हम ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर की जो नेम है, ऑर्डिनल नंबर मीन्स द एडजेक्टिव्स व्हिच शोज अ नंबर, द एडजेक्टिव व्हिच आर सेट एज अ ऑर्डर। उनके बाद इनडेफिनिट नंबर, डेफिनेट नंबर जहां पे एग्जैक्ट नंबर शो हो, इनडेफिनिट नंबर मीन्स अननोन नंबर जहां पर हो, जहां पर कोई फिक्स नंबर ना हो, तो वहां पे हम व्हिच डज नॉट शो एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर अगर ना दिखाया जाए तो वो है इनडेफिनिट इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल नो, देर वॉज नो बॉय, देर वॉज नो मैन इन द किचन, मैनी मैनी बॉयज वर वेटिंग फॉर द टीचर, सम स्टूडेंट्स वर क्राइंग फॉर देयर मार्क्स, फ्यू बॉयज मेड अ मिस्टेक। तो ये हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम उन चीज़ों को, जैसे हमने प्रोनाउन पढ़ा था, अगर हम इसकी डिफ्रेंशिएट करें इनको, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट करें तो फिर हमें जो है ना वो बात समझ में आएगी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हैं, ये दोनों किसी ना किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं, मतलब किसी न किसी कोई ऐसी चीज़ जो कि नज़दीक हो या दूर हो। इनकी यूजेज सेम है, मतलब दिस यहाँ पे एडजेक्टिव, इनको एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे हम, और यहाँ पे हम इनको प्रोनाउन के तौर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखें, दिस दिस जो है यहाँ पे भी एक ही एक चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनको, और जो चीज़ नज़दीक हो प्रोनाउन में भी इसकी सेम ही यूजेज है, मगर फर्क यहाँ पे क्या है, दिस दैट दीज दोज। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ तो आपको समझ में आ जाएगी बात। दिस हाउस mine, this boy is an intelligent student, that car was sold, these books are old, those friends were nice, this is my book, that was your fault, these are their new books, those were old,
शूज। अब यहाँ पे देखिए आप, दिस दैट दीज एंड दोज, यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट ड्रा करें तो आप यहाँ पे देखें दिस दैट दीज दोज के फौरन के बाद हमने यहाँ पे नाउन इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी नाउन इस्तेमाल किया, ये नाउन, बुक्स नाउन, फ्रेंड्स नाउन। जब भी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दीज दोज के बाद फौरन अगर नाउन इस्तेमाल हो जाए तो वो है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर उनके बाद नाउन के अलावा अगर कोई भी और चीज़ आ जाए, कोई भी और अल्फाज आ जाए तो उन्हें हम कहते हैं कि दीज आर दी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो उन्हें हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो हैं जिसके बाद फौरन कोई इस्म आ जाए, कोई नाउन आ जाए तो उन्हें हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और उनके बाद अगर कोई और अल्फाज आ जाए मतलब नाउन के अलावा अगर कोई चीज़ और इस्तेमाल हो तो उन्हें हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद एक जो काइंड है इसकी, अगर हम देखें तो एक काइंड इसकी है जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, जो सवाल पूछने में काम आए उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो व्हाट, व्हिच एंड हूज, व्हाट, व्हिच एंड हूज, व्हाट, व्हिच एंड हूज, फॉर एग्जाम्पल व्हाट थिंग डू यू लाइक, व्हाट बुक्स डू यू वांट टू परचेज, व्हिच बुक्स वर देयर, व्हिच पेन डज नॉट राइट, हूज फादर डाइड, हूज ब्रदर इज ऑन The मिशन। मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव दोज एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाट, व्हिच, हूज को हम एज अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मानते हैं अगर इनके बाद फौरन कोई इसम, क्योंकि एडजेक्टिव जब एडजेक्टिव का को अगर एडजेक्टिव की हम बात करें उनका जो काम है, इट्स वर्क इज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। In every sentence, if you find any kind of adjective, it will be functioning like the adding of meaning to the noun or a pronoun. आप जहाँ भी adjective को देखेंगे तो वो वहाँ किसी ना किसी sentence में अगर देखेंगे तो वो किसी noun या pronoun की meaning में कोई ना कोई addition करता होगा। जैसे pronoun का काम क्या है, it is always used in place of noun. तो इनको भी यही काम पे लगाया गया कि भाई आप noun और pronoun की meaning में addition कर दें, ख्वाब वो एडिशन एज अ क्वालिटी हो, एज अ क्वांटिटी हो, एज अ नंबर हो, या कहीं पर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो, या कहीं पर पजेसिव एडजेक्टिव हो। पजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट द प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इफ़ यू वॉच माई ओल्ड लेक्चर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यू विल फाइंड देयर।
आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये है सारी की सारी एडजेक्टिव। उसके बाद एक एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव इट इज ऑलवेज बिलीव दैट दे आर मेड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल और दीज प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज शो द नेशनलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक अगर मैं कहूँ पाकिस्तान, पाकिस्तानी। इंडिया, इंडियन। अमेरिका, अमेरिकन। रशिया, रशियन, एक्सेट्रा। सो दीज आर दी प्रॉपर एडजेक्टिव व्हिच आर ऑलवेज मेड फ्रॉम दी प्रॉपर नाउन्स। दे ऑलवेज शोस the nationality of some specific nations. So this was all about the adjectives that we have tried to discuss. अगर इसमें कोई भी आपको question वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, आप comment कर सकते हैं, और WhatsApp group भी है। अगर किसी को add होना चाहिए तो वो comment box में अपना number मुझे दें, मैं उनको WhatsApp group में add करूँगा, और इस group को मैं share करूँगा lecture को group में भी। और जो भी students हैं, जो भी participants हैं, दे शुड बी रेडी फॉर द टेस्ट। इंशाल्लाह आई शल कंडक्ट योर टेस्ट फ्राम द पार्ट्स ऑफ स्पीच, दो इट मे बी आइदर फ्राम द काइंड ऑफ प्रोनाउन, नाउन और एडजेक्टिव। मीन्स वाट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द लॉस्ट लेक्चर्स, दैट शल बी रिवाइज इन योर टेस्ट। सो इन लेक्चर को आप पढ़ें, और इन लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर इसमें कोई भी मेरी गलती हो, कोई खामी वगैरह हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू मे कमेंट मी पब्लिकली, एंड इंशाल्लाह आई शल ट्राई टू इम्प्रूव दैट वन। क्योंकि हम जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि जो बंदा पढ़ा रहा है वो सबसे आगे है। असल में जो मेरी नीयत है वो यही है कि मैं आप लोगों से सीखूं, आप लोगों से कुछ गेन करूं। तो आई एम ट्राइंग टू गेन समथिंग फ्रॉम यू, आई एम नॉट गोइंग टू डिलीवर यू समथिंग। एंड आई बिलीव दैट एवरीवन नोज अबाउट दीज ऑल थिंग्स। आजकल ग्रामर जो है ना, सब जो भी बच्चे पैदा होते हैं तो उनको ग्रामर आ जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंध में, स्पेशली इन आवर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, जिनको लोग पढ़ते हैं ज़्यादा। और सबकी यही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे को, मेरे अगर बेटी है या बेटा है, तो उनको इंग्लिश तो आनी आनी चाहिए। तो हाँ भाई, सीख लें इंग्लिश, हमने भी सीखा, आप भी सीख लें। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।